हिमालय क्षेत्र में अनेकों नदियां हैं जिनके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम नदियां नहीं बल्कि कश्मीर की झीलों के बारे में बताएंगे। परंतु पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। दरअसल इन दिनों कश्मीर बहुत चर्चा में है। इसकी वजह है कश्मीर में आतंकवाद पर आधारित फिल्म कश्मीर फाइल्स। लेकिन हम आपको कश्मीर फाइल्स की बात नहीं करेंगे बल्कि कश्मीर की खूबसूरत झीलों की बात करेंगे। आप अगर कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते हैं तब भी आप कश्मीर की डल झील के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन डल झील के अलावा भी कई खूबसूरत झीलें कश्मीर में हैं। तो पहले आपको डल झील के बारे में बताते हैं। डल झील भारत के दूसरे नंबर की झील है, कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह झील तीन दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी है। यह झील लगभग 26 किलोमीटर में फैली हुई है और 6 मीटर गहरी है। इस झील की खास बात यह है, इस झील में कश्मीर घाटी की बहुत सारी झीलें डल झील के आकार की मिलती हैं। भारत के अंदर डल झील सबसे सुंदर मानी जाती है। इसकी जल क्षमता 98,30,000 मीटर क्यूब है। इसके अलावा कश्मीर में नागिन झील, शेषनाग झील, बुलर झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, वैरीनाग झील, कोसरनाग झील, आचार्य झील, किशन सरजी झील, गार्ड सरजी झील, मानसरोवर झील और बिशन सरजी झील भी हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप एक बार कश्मीर जरूर जाएं और इन झीलों का लुत्फ़ उठाएं। लेकिन यह भी अनुरोध है कि इन जगहों पर जाकर आप प्रदूषण ना फैलाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, कचरा ना फैलाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा किया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपकी अगली पीढ़ी ऐसी खूबसूरत झीलों का लुत्फ ना उठा सके। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम हिमालय से जुड़ी जानकारियों के बारे में लगभग रोजाना नए वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी हिमालय और उस पर बसे राज्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर रखें। आपके द्वारा भी हमें काफ़ी जानकारियां प्राप्त होती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।